कसरावत में इंदौर रोड की तरफ जा रहा ट्रक अचानक अनियंत्रित होकर बिजली के खंभे को तोड़ता हुआ एक मकान में जा घुसा, जिससे कोई जनहानि नहीं मगर मकान में घुसने से मकान मालिक का करीब 1.5 से 2 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। ट्रक जो कि राजस्थान का बताया जा रहा है, पप्पू वर्मा ने बताया कि कुछ देर पहले ही हम घर पर काम कर रहे थे और ठंड की वजह से काम बंद करके हम घर में सोने की तैयारी में थे। इतनी देर में जोर से आवाज आई, जब लाइट चालू की तब 13 kV खंभे के तार भी मकान के ऊपर गिरे, लेकिन सावधानी रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। क्या मामला था दादा ये एक्सीडेंट वाला? भैया ये मामला था करीब रात के 12 से 1 बजे का बीच का मामला है ये, और इधर ये ट्रक वाला उधर से आ रहा था और वो जज साहब हमारे पड़ोस में, उनके यहाँ बिजली का पोल था, उससे ठोकते हुए हमारे मकान पे आया ये और हमारे मकान का भी नुकसान कर दिया। कौन सी बिजली थी ये? ये 33 kV बिजली, बड़ी लाइन है साहब। कितनी दूरी पर ये पोल को लिया है ट्रक? ये वो घिसते लाया पोल को, ये करीबन 100-125 फीट से। इसमें कोई नुकसान वगैरह या कोई जनहानि वगैरह? नुकसान तो हुआ है पर जनहानि नहीं हुई है। नुकसान लगभग कितना हुआ है? नुकसान हमारा हुआ है कम से कम 2 से 2.5 लाख रुपए का। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है परमानंद फत्तू जी विश्वकर्मा। कहाँ के निवासी हो? कसरावत के, मेला ग्राउंड कसरावत। कसरावत तहसील से अबरार पठान की रिपोर्ट।